बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट काफी जोर पकड़ रहा है। एक तरफ जहां तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर गहरे इल्जाम लगाए, वहीं हाल ही में मशहूर प्रोड्यूसर और राइटर विनीता नंदा ने संस्कारी आलोक नाथ पर भी इल्जाम लगाए। आपको बता दें कि विनीता नंदा का बहुत ही पॉपुलर शो जी टीवी पर तारा नाम से आता था, जहां पर इस सीरियल में नवनीत नेशन और आलोक नाथ मुख्य भूमिका में नजर आए थे। आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में आलोक नाथ ने ये इल्जाम भी लगाए थे कि नवनीत नेशन ड्रग्स लेती थी, लेकिन इस मसले पर जो हाल ही में विनीता नंदा ने अपनी राय रखी है, उससे काफी चीजें सामने निकल कर आ रही है। विनीता नंदा का ये कहना है कि आलोक नाथ ने ना केवल नवनीत निशन से बदतमीजी की है, बल्कि उनके खुद के साथ भी मॉलिस्टेशन किया है, वो भी एक दफा नहीं कई दफा। और इस पूरे मामले में सिंटा ने बहुत ही सख्ती से अपना फैसला सुनाया है, जहां पर उन्होंने साफ साफ कहा कि इस मामले में जो भी जांच होगी वो हम करेंगे। सिंटा का ये कहना है कि अगर आलोक नाथ इस पूरे मसले पर दोषी पाए गए तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा टीवी इंडस्ट्री से। अब देखते किस तरह से आलोक नाथ इस पूरे मसले पर अपनी राय रखते हैं, लेकिन इधर एक चीज साफ हो जाती है कि विनीता नंदा के इस बयान से संस्कारी आलोक नाथ जरूर बौखला उठे होंगे। इस तरह की और खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मुंबई प्रेस को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।